हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर अड्यू। द प्लेन कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स। प्लेन जो कि लेके जा रहा था 300 पैसेंजर्स को, मोस्टली इंडियंस अलाउड टू लीव फ्रांस, उनको अलाउड कर दिया गया है फ्रांस छोड़ने के लिए। आपको पता है ये न्यूज़ बहुत न्यूज़पेपर में और टीवी न्यूज़ में बहुत स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। तो डेफिनेटली इसके बारे में जानेंगे क्या क्या ये कंसेप्ट है और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ये डेली फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि इससे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव डेफिनेटली होगी। बहुत सारे वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे और जिनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बेनिफिशियल रहेगी। कुछ लोकेशन होगी जो आपको मैप में देखनी होगी, ताकि आप आगे लंबे टाइम तक चीज़ों को जान सकें। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्लेन कैरिंग, जो प्लेन था, जहाज, एक तो था पानी का जहाज, ये एयरप्लेन की बात हो रही है, शिप की बात नहीं हो रही है, पानी के जहाज की बात नहीं हो रही, एयरप्लेन की बात हो रही है, जो कि हवा में उड़ता है, हवाई जहाज। कैरिंग ओवर 300 पैसेंजर्स, जो कि कैरिंग लेके जा रहा था, वह की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें यूज होता है। तो कैरिंग वो लेके जा रहा था ओवर 300 पैसेंजर्स, मोस्टली इंडियंस, ज्यादातर इंडियंस थे, अलाउड टू लीव, उनको अलाउड कर दिया गया है फ्रांस छोड़ने के लिए। द निकारगुआ बाउंड फ्लाइट। बाउंड मतलब वहां के लिए बंदी हुई थी, ये कहते ना, ये बाउंडेड बस है, ये मतलब अनुबंधित बस है, ये रेगुलर चलती है यहाँ से यहाँ तक। तो ये निकारगुआ फ्लाइट वाज ग्राउंडेड। ग्राउंडेड मतलब उसको वापस उड़ने नहीं दिया गया था, फ्लाई करने के लिए मना कर दिया गया था, ग्राउंडेड, ग्राउंड पे रख दिया था, वाज ग्राउंडेड। तो वाज ये एडजेक्टिव फॉर्म आई है, क्योंकि वाज के तो हमेशा आपने पढ़ा होगा कि पास्ट में जब वाज वर आता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आती है, नहीं तो अगर पास्ट की बात करें तो हमेशा सेकंड वर्ब की फॉर्म आएगी, बट यहाँ पे वाज ग्राउंडेड, ये ऐसे मतलब एडजेक्टिव फॉर्म होती है। निकारगुआ बाउंड फ्लाइट वाज ग्राउंडेड एंड पैसेंजर्स वर डिटेन। पैसेंजर्स को डिटेन कर लिया गया। डिटेन मतलब किसी चीज को, किसी को भी कन्फाइन कर देना, पर्टिकुलर प्लेस में बांध के रख देना, उसी जगह में रोक देना, कन्फाइन कर देना। ओवर सस्पेक्टेड, किस चीज पे, ओवर मतलब किस मुद्दे पे, सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब डाउट था, एलिजिडली था, एलिज उन पे आरोप लगाया, सस्पेक्टेड था, उनको अप्रेंशन या कोई भी लगा लो डर था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव की तस्करी हो रही है, और इनको जानबूझ के कहीं पे ले जाया जा रहा है और इनको कहीं पे बेच देंगे। जजेज कैंसल द हियरिंग। जजेज ने, जो वहां पे जजेज थे, उन्होंने कैंसिल कर दिया हियरिंग को। हियरिंग मतलब वो मुद्दा सुनने वाले थे। ऑफ द पैसेंजर सम ऑफ होम स्पोक इन दी, सम ऑफ होम उनमें से, देखो होम कैसे यूज होता है कि उनमें से, सम ऑफ होम उनमें से, उन सारे आदमी उनसे 300 में से स्पोक हिंदी, वो आपकी सेकेंड फॉर्म, उन्होंने उनमें से कुछ ने हिंदी बोली एंड अदर तमिल, कुछ ने तमिल बोली, ड्यू टू इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी अनियमितता, वो नियम नहीं बंधे हुए थे, अनियमितता थी इन दी प्रोसीजर, प्रोसीजर जो ये प्रोसीजर कर रहे थे जजेस, उनमें इरेगुलरिटी थी, दैट्स वाई देर आर 11 अनअकंपनीड माइनर्स ऑन द प्लेन। अनअकंपनीड, अनअकंपनीड का मतलब होता है अकेले, उनको कोई कंपनी नहीं दे रहा था, वो अकेले थे, माइनर थे, 18 साल से नीचे थे, ऑन द प्लेन, प्लेन पे, देखो ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज हुई है, देखो ऑन द प्लेन, ये बोलते हैं ना ऑल द पीपल आई एम वेलकमिंग यू ऑन द बोर्ड, ऑन द बोर्ड मतलब जो प्लेन में है वैसे ही ऑन द प्लेन। निकारगुआ बाउंड फ्लाइट, निकारगुआ बाउंड फ्लाइट कैरिंग 303 पैसेंजर्स। निकारगुआ जो बाउंड बंधी हुई थी, जो वहां जाने वाली थी, उसमें लगभग 303 पैसेंजर थे, मोस्टली इंडियंस वर अलाउड, मोस्टली ज्यादातर क्या थे इसमें, मोस्टली इंडियंस वर अलाउड टू रिज्यूम इट्स जर्नी, इंडियन को अलाउड किया गया था रिज्यूम करने के लिए जर्नी को। रिज्यूम होता है दोबारा से, जैसे वीडियो रिज्यूम करते ना, दोबारा से चला देना अपनी, उसको कंटिन्यू करना चीजों को। मंडे 3 days आफ्टर दे वर डिटेन बाई द फ्रेंच अथॉरिटीज एट एन एयरपोर्ट नियर पेरिस। निकारगुआ आपको पहले जानना है, देखो यहाँ पे अगर मैं आपको मैप थोड़ा सा बता दूँ, तो यहाँ पे इस शेप का ये है, मान लो यहाँ पे ऊपर कनाडा है ये, और ये USA है, फिर एक पूंछ सी आती है जैसे, इसको सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं, और फिर यहाँ पे ये दक्षिण अमेरिका आ जाता है। तो यहाँ पे कुछ हैं, देखो हुंडुरस आता है, हुंडुरस के साथ यहाँ पे नीचे आता है निकारगुआ, निकारगुआ, मनागुआ इसकी कैपिटल है, तो फिर उसके बाद पनामा कैनाल, पनामा आता है, और ऊपर आता है बेलीज वगैरह, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे USA आता है, ये ऊपर कनाडा आता है,
और ये जैसे अर्जेंटीना, यहाँ पे चिली होता है, ये अर्जेंटीना होता है, इक्वाडोर होता है, यहाँ पे कोलंबिया होता है, और यहाँ पे फ्रेंच गुइना गुइना वगैरह होता है, और यहाँ पे पराग्वे होता है, ये पेरू होता है। तो आपको थोड़ा सा मैप की नॉलेज भी होनी चाहिए। निकारगुआ यहाँ पे है सेंट्रल अमेरिका में, तो ये निकारगुआ जा रहा था। यहाँ से मान लो ये दुबई से जाके फ्रांस में रुका था ये जहाज़, और वहीं पे उनको खबर मिली अथॉरिटीज़ को कि हाँ कोई कुछ जा रहा है यहाँ से, ऐसे कुछ गलत काम हो रहा है, और इनको बोला गया कि निकारगुआ उतार देंगे और यहाँ से ये इलीगली यूएसए या कनाडा में घुसने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने अथॉरिटीज़ ने वहाँ पे जजेज ने इकट्ठा कर लिया था और उनसे सुनवाई करने की बात की, बट बाकी उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि बोले कि बहुत सारी इरेगुलरिटी हैं प्रोसीजर में। तो ये कंसेप्ट था। तो आपको मैप की भी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, क्या तो आप देख सकते हैं निकारगुआ वगैरह मैप में, तो अच्छे से पता चल जाएगा आपको। तो फ्रेंच अथॉरिटीज एट एन एयरपोर्ट नियर पेरिस, फ्रांस की कैपिटल जो पेरिस है, पेरिस फैशन कैपिटल भी मानी जाती है, फैशन के मामले में ज़्यादा है, वहाँ पे कॉटन वगैरह अच्छा होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फ्रेंच अथॉरिटीज एट एन एयरपोर्ट नियर पेरिस ओवर सस्पेक्टेड, ओवर मतलब किसी मुद्दे पे ओवर सस्पेक्टेड, जो मतलब डाउट था उनको, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अकॉर्डिंग टू दी लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ऑन संडे, संडे को लोकल मीडिया रिपोर्ट कहा, आफ्टर ऑथराइज करने के बाद, उनको पक्का करने के बाद, उनको परमिट देने के बाद, द A340 एयरक्राफ्ट, एयरबस 340 एयरक्राफ्ट था, ऑपरेटेड बाई द रोमानियन चार्टर। रोमानिया कहाँ पर, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे आपको पता होगा कि रशिया बहुत बड़ा सा है, रशिया के पास इधर यूक्रेन है जिनकी फाइट हो रही है, यूक्रेन के जस्ट यहाँ पे मिलेगा आपको रोमानिया, आप मैप में जाके देख सकते हैं। तो रोमानिया जो है इधर, हंगरी वगैरह भी मिलेगा आपको, तो रोमानिया के पास, अब जैसे रोमानिया है, फिर बुल्गारिया मिलेगा आपको, बुल्गारिया। तो ये आपको थोड़ा सा मैप जाके देखना है ताकि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए मैप की। तो यूएसए के बाद यहाँ पे रशिया के बाद यहाँ पे यूक्रेन है, यूक्रेन के जस्ट इधर बगल में रशिया, वो रोमानिया है। तो रोमानिया का ये चार्टर कंपनी थी, मतलब जो लेजेंड एयरलाइन कंपनी का नाम है टुलियो, वो वहाँ से छोड़ने के लिए द फ्रेंच जजीज चूज टू कैंसिल, फ्रेंच जजीज ने चूज किया, देखो CHWS चूज, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है चूज, जो कि पास्ट में इन्होंने चूज किया था, मतलब 2-3 दिन पहले, कैंसिल द हियरिंग, उन्होंने हियरिंग को कैंसिल करने के लिए सुनवाई थी उनको कैंसिल कर दिया, ऑफ द 300 पैसेंजर ओइंग टू इरेगुलरिटी, ओइंग मतलब के होते हुए, जैसे बोलते हैं ना कि ओइंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब के होने नाते या मतलब जिम्मेवारी लेने के नाते, ऐसे ही बोलते हैं ना, ओइंग टू इरेगुलरिटी, किसके चलते, जो इरेगुलरिटी थी, अनियमितता थी प्रोसीजर में जो काम कर रहे थे, BFM TV जो एक उधर फ्रांस का टीवी है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर टेलीकॉम टेलीविजन एंड रेडियो नेटवर्क रिपोर्टेड, उन्होंने रिपोर्टेड किया इरेगुलरिटी के चलते, उन्होंने उसको छोड़ दिया, जो पूरे प्लेन को, वहाँ पे आदमी थे 300 पैसेंजर थे, इंडियन थे, जो निकारगुआ जा रहे थे दुबई से, ये फ्रांस में उसका ले आवर होता कि मतलब थोड़ा सा टाइम वो रुकता है, ले ओवर के टाइम पे ही उसने ग्राउंडेड कर दिया और आगे जाने नहीं दिया। फिर उसके बाद थोड़ा सा जजेज ने देखा कि हाँ इरेगुलरिटीज़ हैं, दैट्स वाई दे लाइक ऑथराइज कर दिया कि आप जाओ यहाँ से। चार फ्रेंच जजेज थे, अर्लियर पहले इन द डे बिगेन, उन्होंने बिगिन की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्वेश्चनिंग थी पैसेंजर, क्वेश्चनिंग उन्होंने पैसेंजर को क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, एंड डिटेन होता है किसी को कन्फाइंड प्लेस में रोक देना बाय द फ्रेंच अथॉरिटीज एट वाटरी एयरपोर्ट, जो वहाँ पे एक वाटरी जगह है, वहाँ पे एयरपोर्ट है, 150 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पेरिस, 150 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पेरिस, ईस्ट डायरेक्शन में है। सिंस थर्सडे ओवर सस्पेक्टेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो डाउट था कि भाई ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव की तस्करी हो रही है। द हियरिंग्स वर कंडक्टेड एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हियरिंग की गई, वर कंडक्टेड की गई एज ए पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक तहकीकात के तौर पर, ओपन बाई पेरिस प्रोसिक्यूटर ऑफिस, किसके द्वारा की गई थी जो इन्वेस्टिगेशन थी, खोली गई थी या लेके आए गए थे प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस के द्वारा। डेस्टिनेशन नॉट नोन, तो डेस्टिनेशन पता नहीं थी क्या। द प्लेन इज एक्सपेक्टेड टू टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है मतलब कोई जहाज को हवा में जाना, अगेन अगर दोबारा से एक्सपेक्टेड है कि जहाज हवा में जाएगा ऑन मंडे मॉर्निंग। इट्स डेस्टिनेशन नॉट येट नोन, इसकी डेस्टिनेशन पता नहीं है। इट कुड ट्रेवल टू इंडिया, ये कुड ट्रेवल, देखो फ्यूचर में के लिए कुड ही होता है, कई बार बोलते हैं ना कि कैन का पास्ट कुड होता है, नहीं यहाँ पे फ्यूचर के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे
इट कुड ट्रेवल टू इंडिया, ये इंडिया जा सकता है, कुड इंडिया जा सकता है. वेयर द पैसेंजर आर फ्रॉम, वेयर द, देखो ये सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा देखो, वेयर द पैसेंजर आर फ्रॉम, जहाँ से पैसेंजर हैं, आर फ्रॉम, वेयर द पैसेंजर आर फ्रॉम, और टू निकारगुआ, निकारगुआ जा सकता है जहाँ के लिए बाउंड था वो, इट्स ओरिजिनल डेस्टिनेशन, और टू दुबई, दुबई जहाँ से इसने टेक ऑफ किया था, फ्रॉम वेयर इट टुक ऑफ, जहाँ से ये टेक ऑफ की सेकेंड फॉर्म आई, टुक ऑफ वहाँ से इसी उड़ान भरी थी. अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच मीडिया सम ऑफ द पैसेंजर स्पोक हिंदी, फ्रेंच मीडिया के अनुसार कुछ पैसेंजर हिंदी बोल रहे थे, अदर्स तमिल, कुछ तमिल बोल रहे थे, आर बिलीव टू हैव कॉन्टेक्टेड देयर फैमिली बाई टेलीफोन, आर बिलीव्ड मतलब ऐसा बिलीव्ड किया जा रहा है, विश्वास किया जा रहा है, आर बिलीव टू हैव कॉन्टेक्टेड मतलब उनके ऊपर ऐसा विश्वास किया जा रहा है, आर बिलीव टू हैव कॉन्टेक्टेड देयर फैमिलीज बाई टेलीफोन, 10 ऑफ पैसेंजर्स हैव क्वेश्चन असाइलम, तो कुछ ने रिक्वेस्टेड करना कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप मुझे असाइलम दे दो, हमें 10 पैसेंजर्स ने लगभग 10 ऑफ पैसेंजर मतलब 10 यो आदमियों ने ऐसे बोला कि हमें यहाँ पे शरण दे दो, फ्रेंच में शरण दे दो. ए न्यू न्यूज़पेपर कोटेड, न्यूज़पेपर ने कोट किया इस बात को लेके आए, मतलब उनकी बात को कहीं को कोट करना करते हैं, किसी की बात को दोबारा से रिइटरेट करना, दोहराना या उसको मद्देनजर रखते हुए करना, उसको कोट करना कहते हैं. कोटेड ए सोर्स क्लोज टू द केस एज सेइंग, सोर्स क्लोज, सोर्स क्लोज मतलब जो जिस बंदे ने कहा था, टू द केस एज सेइंग कह रहे थे, द प्लेन इंक्लूडिस 11 जो 11 थे अनअकम्पनीड माइनर, जिनका कोई साथी नहीं था, अकेले थे, 11 माइनर थे, 18 साल से नीचे थे, टू पैसेंजर्स इन कस्टडी, दो पैसेंजर जो थे कस्टडी में सिंस फ्राइडे, हैड देयर डिटेंशन एक्सटेंडेड ऑन सैटरडे इवनिंग अप टू 48 आवर अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच प्रोसिक्यूटर. फ्रेंच जो प्रोसिक्यूटर थे, प्रोसिक्यूटर कौन होता है, प्रोसिक्यूटर होता है जो सजा देने वाला होता है, प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने पकड़ा था उनको कि हाँ 48 आवर उनका एक्सटेंड हो चुका था जो डिटेंशन था. ए लॉयर फॉर लेजेंड एयरलाइंस मतलब वहाँ उन जो लेजेंड एयरलाइन का वकील था, लिलियाना बाकायाको नाम है उसका, डिनाइड एनी इन्वॉल्वमेंट इन ट्रैफिकिंग, उन्होंने मना कर दिया कि ट्रैफिकिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, कोई सम्मिलित नहीं थे वो. ए पार्टनर कंपनी दैट चार्टर्ड द प्लेन, कोई भी ए पार्टनर कंपनी दैट चार्टर्ड द प्लेन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरीफाइंग द आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईच पैसेंजर, एक उसकी जो चार्टर्ड कंपनी थी उसकी कोई पार्टनर थी, उन्होंने खूब इसको वेरीफाई किया हुआ है, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स ऑफ ईच पर्सन एंड पैसेंजर्स, कम्युनिकेटिंग द पैसेंजर्स मतलब बात की उन्होंने, कम्युनिकेटेड द पैसेंजर्स पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन टू द एयरलाइन 48 आवर बिफोर द फ्लाइट. मिस बकायोडो सेड, बकायोको ने बोला कि भाई 48 घंटे पहले ही उनको जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी उसने वेरीफाई कर लिया था, डाटा सबका ठीक है, एक्यूरेट है. ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैरीज, जो कैरीज ए पोटेंशियल मतलब ये क्या रखते हैं, अगर मान लो मानव की तस्करी होती है, बेचते हैं जैसे पहले उस टाइम पे, पुराने टाइम पे अफ्रीकन्स को बाउंडेड लेबर बना के जैसे टी प्लांटेशन वगैरह में काम करने के लिए इंडियंस को ले जाया जाता था, तमिलियन को श्रीलंका में, सेम ऐसे ही यूएसए वगैरह में भी बाउंडेड लेबर जो साउथ यूएसए में बसे हुए थे पहले, क्योंकि ये पुरानी हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ, यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से लेके जाते थे. सेम जैसे इधर ये जो ये बेल्जियम वगैरह के कंट्री भी साउथ एशिया से लेके जाते थे आदमियों को, जो डेन्स होते थे वो भी लेके जाते थे आदमियों को बॉन्डेड लेबर बना के. ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैरीज, ये लेके चलता है, कैरीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा लगा है कि बोल रहे हैं कि कैरीज लेके चलता है. ये पोटेंशियल सेंटेंस, पोटेंशियल मतलब जिसका क्षमता होती है, सेंटेंस ऑफ दी अप टू 20 ईयर्स इन फ्रांस, 20 साल की सजा मिलती है अगर कोई ऐसा काम करता है तो फ्रांस में. ऑन सैटरडे इंडियन एम्बेसी इन फ्रांस सेड, इंडियन जो वहाँ पे एम्बेसी खोल रखी हमने दूतावास, सेड इट्स स्टाफ वर स्टेशन एट द एयरपोर्ट नियर पेरिस टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन नेशनल, तो उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ जो स्टेशन है वहाँ रखे हुए थे एट द एयरपोर्ट नियर पेरिस टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द इंडियन नेशनल की वेलफेयर रहे. इन एन अपडेटेड मैसेज ऑन सोशल मीडिया, अपडेटेड मैसेज में सोशल मीडिया पे ऑन सैटरडे इवनिंग द एम्बेसी थैंक द फ्रेंच अथॉरिटी, एम्बेसी ने फ्रेंच अथॉरिटी को थैंक किया फॉर वर्किंग ओवर लॉन्ग क्रिसमस हॉलीडे वीकेंड, उन्होंने काम किया जो क्रिसमस वीकेंड पे इन परस्यूट ऑफ अर्ली रिजोल्यूशन, इन परस्यूट फॉलो करते हुए, परस्यूट होता है प्रयत्न करते हुए, जैसे कहते हैं ना कि मैं यहाँ प्रयास करते हुए आया हूँ, इन द परस्यूट ऑफ माई कैरियर आई केम हेयर, मैं यहाँ आया था, सेम ऐसे ही वीकेंड इन परस्यूट ऑफ एन अर्ली रिजोल्यूशन, जल्द से जल्द कोई भी चीज़ों का सॉल्यूशन करना ऑफ द सिचुएशन. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के अनुसार द ट्रैवल मे हैव बीन प्लान,
मे हैव बी प्लान, ये सीखने की बात है। यहाँ पे आपको कन्वर्सेशन में यूज करना पड़ेगा, शायद हो सकता मे, मतलब जो कम सर्टेनिटी है, मतलब संभावना है। मे हैव बीन प्लान, इसको प्लान किया जा सकता है जैसे पैसिव फॉर्म में बाय द इंडियन पैसेंजर। बाय द कौन प्लान करेगा? इंडियन पैसेंजर प्लान करेंगे टू रीच सेंट्रल अमेरिका। वो सेंट्रल अमेरिका जाना चाहेंगे फ्रॉम वेयर, जो निकारगुआ कह रहे हैं, फ्रॉम वेयर दे कैन अटेम्प्ट टू एंटर यूएस और कनाडा इलीगली। जो वहां से इंटर करेंगे इलीगली, आपको देखा इंडिया में बहुत सारे ऐसे आजकल यूथ हैं, दे आर सो मोटिवेटेड टू गो अब्रॉड फॉर अर्निंग, दैट्स वाई लाइक दिस टाइप ऑफ प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग। मान लो वहां पे जाएंगे जो सेंट्रल अमेरिका में और अटेम्प्ट करेंगे इंटर यूएस में और कनाडा में इलीगली, बट एन अनोनिमस टिप, बिना नाम के, अनोनिमस बिना नाम के टिप, कोई मतलब इन्फॉर्मेशन होती ना ये पता चली है, विच इंडिकेटेड दैट पैसेंजर वर लाइकली टू बी विक्टिम्स। ये कह रहे कि पैसेंजर लाइकली टू बी विक्टिम, ऐसी संभावना कि वो विक्टिम्स रहेंगे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तस्करी के विक्टिम्स हो सकते हैं इन ऑर्गेनाइज गैंग, किसी ऑर्गेनाइज गैंग के थ्रू अल्टर्ड द अथॉरिटी, उन्होंने अल्टर्ड किया हुआ है, मतलब वो इन द डिस्गाइज भेस में है अथॉरिटीज के, और दे वांट टू एक्सप्लोइट दी और दे वांट टू डू ह्यूमन ट्रैफिकिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे से सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। एंड इफ यू आर हैविंग एनी इशू विद द लाइक आर्टिकुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, देन डेफिनेटली लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिजोल्व ऑल द इशू विद इन द मिनिमल टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय।